बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के नया टोला माधोपुर निवासी मुकेश कुमार का 2 वर्षीय पुत्र आदित्य उर्फ पल्लू का अपहरण कर अपहरणकर्ताओं ने मोबाइल से 10 लाख की फिरौती मांगी। उसके बाद मुकेश ने थाने में अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। एएसपी बाड़ ने एसआईटी टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर नालंदा जिले के नूरसराय से बच्चे को और अपहरणकर्ताओं मनीष कुमार, मिथिलेश एवं दीपक को कब्जे में ले लिया। टीम का नेतृत्व थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा ने किया। गौरी शंकर प्रसाद की रिपोर्ट। उसको हटाओ, हाँ हाँ हटाओ, हटाना आगे कर, आगे पीछे कर, पीछे कर, उसको पीछे करो। अरे उन दोनों का अलग करो ना। घटना के बारे में सर, पूरे घटना के जरा क्या है सर इसके बारे में? देखिए, अभी तक जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है इस घटना के की सूचना मिलने की और इस पर जो कार्रवाई हुई है वो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। 22 तारीख की शाम को नया टोला माधवपुर में मुकेश कुमार हैं, जिनके 2 वर्षीय पुत्र के अपहरण होने की सूचना मिली थी और उसके आधार पर 299/21 FIR दर्ज की गई है यहाँ पर अंडर सेक्शन 363 एंड 365, क्योंकि प्रारंभ में ये सूचना थी कि 2 वर्षीय पुत्र का अपहरण हो गया है। अगले दिन हम लोगों को कुछ घंटे बाद ही ये सूचना मिली कि किसी ने फिरौती की रकम भी इनसे मांग की है। उसके बाद थानाध्यक्ष बख्तियारपुर मुकेश जी के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई और उसने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया है, जिसके लिए हम लोग उनको बधाई देते हैं। और 24 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन किया है, ये प्रशंसनीय बात है। घटना ये हुई है कि मुकेश कुमार के पुत्र 2 वर्षीय पुत्र का अपहरण किया गया और उसके आधार पर छोटू कुमार उर्फ मनीष कुमार, मिथिलेश कुमार उर्फ मित्ते और दीपक कुमार उर्फ कांचा, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके 2 वर्षीय पुत्र को भी बरामद कर लिया गया है। इनको नूरसराय थाना अंतर्गत ग्राम बस गोपालपुर से अपहरणकर्ता के एक संबंधी हैं मिथिलेश के, जो इनमें से हैं गोरख पासवान, उनके घर से बरामद किया गया है। और इस पूरी घटना में जो छोटू कुमार उर्फ मनीष कुमार हैं, ये मुकेश कुमार के संबंधी हैं और इनका कहना है कि किसी बात को से नाराजगी को लेकर इन्होंने मुकेश कुमार के पुत्र का अपहरण किया। मुकेश कुमार, छोटू कुमार उर्फ मनीष कुमार ने दीपक और मिथिलेश की सहायता से, बच्चा 2 साल का है, उसको यहाँ से लेकर हाईवे पर गए और हाईवे से वापस इसको, जहाँ से इनको बरामद किया गया वहाँ मिथिलेश के रिलेटिव रहते हैं, वहाँ पर भी जहाँ तक हमारी जांच पहुँची है मिथिलेश के जो मौसी और मौसा लगते हैं वो लोग घर पर नहीं थे, छोटे बच्चे थे, ये इस बच्चे को भी वहाँ पर छोड़ आए थे, लेकिन तकनीकी अनुसंधान के चलते किसकी किससे बात हुई, कौन कहाँ पर है, किसका किससे संबंध था, इस बात का विश्लेषण करते हुए मुकेश जी ने अपनी टीम के साथ इन लोगों को ट्रैक किया, बच्चे को बरामद किया और तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है और 24 घंटे के अंदर इस कांड का सफल उद्भेदन किया है। तो ये कांड फिरौती है तो अपहरण कांड में कन्वर्ट होगा फ्यूचर और उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तक हम लोगों के अनुसंधान में इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। थानाध्यक्ष बख्तियारपुर के अतिरिक्त इसमें पुवानी सत्येंद्र कुमार सिंह, सिपाही आकाश कुमार, सिपाही विनय कुमार सिंह, सिपाही धीरेंद्र कुमार, श्रवण कुमार और सिपाही विश्वकर्मा, ये टीम शामिल थी जिसने जिस समय जो सूचना मिली उस सूचना पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की और उस सूचना के आधार पर इस कांड का उद्भेदन किया। सर, इस सफल उद्भेदन में जो टीम देखिए, अभी 2 दिन पहले भी मोकामा में ऐसी ही बात हुई, तो तत्परतापूर्वक इस तरह के कामों में जितनी जल्दी हम लोग इंटरवीन करते हैं और जितनी जल्दी हम लोग, जैसे बच्चे का अपहरण हुआ था तो कोई ऐसी दुर्घटना होने से रह गई क्योंकि इन्होंने समय रहते हस्तक्षेप किया, तो निश्चित रूप से इन लोगों के लिए हम लोग अनुशंसा भेजेंगे पुरस्कार।